लोकसभा चुनाव 2024 में 400 के पार का सपना देखने वाली बीजेपी महज 240 सीटों पर सिमट गई थी। बीजेपी को अपने सहयोगी दलों की मदद से केंद्र में सरकार बनानी पड़ी। आम चुनाव के प्रदर्शन से सबक लेते हुए बीजेपी ने राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए कमर कसी और नई रणनीति के साथ चुनाव प्रचार शुरू किया, लेकिन राज्यों के चुनावों में भी बीजेपी का कोई दाव नहीं चल पाया है। शनिवार को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। दोनों राज्यों के नतीजे बीजेपी का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं। दोनों ही राज्यों में बीजेपी का सरकार बनना काफी मुश्किल लग रहा है, वहीं कांग्रेस का दबदबा बढ़ रहा है। हालांकि एजेंसियों के ये एग्जिट पोल अंतिम नतीजे नहीं है। दोनों राज्यों में चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के लिए मतदान हुआ है, वहीं हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। अगर एग्जिट पोल के नतीजे हकीकत में बदलते हैं तो बीजेपी के लिए काफी बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है। आइए जानते हैं आखिर बीजेपी से कहां चूक हो गई। हरियाणा में शुरू से ही कांग्रेस के पक्ष में माहौल देखने को मिल रहा था। दरअसल हरियाणा में सेना की अग्निवीर भर्ती योजना और 3 कृषि बिल ने किसानों और युवाओं का बीजेपी से मोह भंग कर दिया था। किसानों के गुस्से को देखते हुए बीजेपी ने कृषि बिल तो वापस ले लिए थे, लेकिन किसानों के दिल में जगह नहीं बना पाए। हालांकि बीजेपी ने राज्य में मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सैनी को सीएम बनाने का दाव भी खेला था, लेकिन ये भी फेल होता नजर आ रहा है। उधर बीजेपी की हार का एक कारण हरियाणा में टिकट बंटवारे के चलते बड़ी अंदरूनी कलह को भी माना जा रहा है। इसी कलह के चलते बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। वहीं बीजेपी भी दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में लेकर आई थी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन एग्जिट पोल में बहुमत के करीब नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल के रिजल्ट बताते हैं कि यहां भी बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद बीजेपी को उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर की जनता का रुझान उनकी तरफ बढ़ेगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। वहीं राज्य में कई लोग अनुच्छेद 370 हटने से काफी नाराज हैं। इसके अलावा बीजेपी ने स्थानीय दलों के साथ सामंजस्य बनाने में भी कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की, जिसके चलते बीजेपी जम्मू कश्मीर में अलग थलग सी पड़ रही है। अब इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे की माने तो हरियाणा में कांग्रेस को 50 से 58 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 20 से 28 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया टुडे सी वोटर के अनुसार जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को बड़ी बढ़त मिल सकती है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 40 से 48 सीटें, बीजेपी को 37 से 32 सीटें, पीडीपी को 6 से 12 और अन्य के खातों में 6 से 11 सीटें जा सकती हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।